झारखंड मुक्ति मोर्चा की हजारीबाग इकाई द्वारा समाहरणालय के समक्ष केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना जिला अध्यक्ष शंभुलाल यादव के नेतृत्व एवं जिला कोषाध्यक्ष नईम रही के संचालन में दिया गया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष शंभुलाल यादव ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में दिल्ली में बैठे लोग झारखंड की खनिज संपदा को लूटने में लगे थे। आज जब हेमंत सरकार ने खनिज लूट पर अंकुश लगा दिया है तो भाजपा बौखला गई है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। सीबीआई ईडी के सहारे केंद्र की भाजपा सरकार अपने विरोधियों को परेशान कर रही है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी समेत सभी वर्ग के लोगों को इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार भाजपा अपने फायदे के लिए लोगों को जाति धर्म और मंदिर मस्जिद में उलझाकर शिक्षा स्वास्थ्य महंगाई बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से केंद्रीय समिति सदस्य दिलीप वर्मा, मोहम्मद इजहार, कोषाध्यक्ष नईम रही, नंदू प्रसाद शर्मा, मोइन अंसारी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट। देश आज है कि हम लोग यहाँ केंद्र सरकार के अनुवल रवैये के खिलाफ आज हम लोग केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों के खिलाफ आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग रहते हैं और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हमारी सरकार को यूँ ही बदनाम करने के लिए तुला हुआ है। इसका हम लोग बहुत विरोध यहाँ पर करने के लिए गठित हुए। आज हमारा हजारीबाग जिला ही राज्य के 2400 जिला केंद्र सरकार का धरना प्रदर्शन हम लोग उनको अवगत कराने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आप होश में आ जाओ और जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको आप अनावश्यक बेवजह फंसाने कर लो। आज हम लोग धरना प्रदर्शन